तो गाइस क्या हो अगर हमें छोड़ दिया जाए एक बहुत ही ज़्यादा बड़े जंगल में जिसके बीचों बीच हो अपना घर एंड उस जंगल में हो बहुत ही ख़तरनाक वाइल्ड एनिमल्स एंड इस गेम में हमें एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी बहुत दूर जाना पड़े। तो आज हम कुछ इस टाइप का ही गेम खेलने वाले हैं। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी लोग। तो गाइस आज हम लोग खेलने वाले एक न्यू गेम प्ले सीरीज जिसका नाम है रेंच सिमुलेटर। तो गाइस गेम अपने लिए शुरू हो चुका है गाइस एंड हम लोग सच में गाइस एक बहुत ही ज़्यादा घने जंगल में आ चुके हैं एंड वो अपना रेंच एंड गाइस जो अपना एरिया है ना गाइस वो कुछ ज़्यादा खतरनाक एंड डरावने जगह पे है गाइस, ठीक है ना। ये हॉरर गेम तो नहीं है ना, सच में गाइस कुछ बोल तो कुछ ज़्यादा डरावने जगह पर आ गए हम लोग। वो भाई साहब एंड इधर ये क्या है? तो इधर मुझे शायद से अपना रेंच का नाम लिखना है। तो इधर मैं क्या लिखता हूँ, हाईटेक रेंच लिख देता हूँ गाइस, ठीक है ना। तो आप मुझे बाद में अपने कमेंट सेक्शन में बता देना गाइस क्या नाम रखना है, ठीक है। हाईटेक रेंच फिलहाल के लिए हम रखते हैं गाइस, ठीक है ना। एंड एक्सेप्ट पे दबाते इधर एंड अभी चलते गाइस अपने रेंच के अंदर, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा बड़ा रेंच है अपना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड इस एंट्रेंस पर इतना बड़ा स्कल किसका है भाई, कौन सा एनिमल का स्कल है? एंड अब क्या करना है मुझे, शायद से मुझे इस ब्लू आइकन को फॉलो करना है, ठीक है। तो इस ब्लू आइकन को फॉलो करना है मुझे एंड अभी हम इस घर के अंदर जाना है शायद से। तो घर के अंदर चलते हैं एंड इधर क्या है, हेलो ग्रैंड चाइल्ड, इफ़ यू रेड दिस लेटर देन यू अग्री टू फुलफिल माई लास्ट विल एंड केम टू अवर फैमिली रेंच। इट इज़ डिसोलेट बिकॉज आई डिड नॉट हैव द टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू डील विद इट। कम इन टू द हाउस, आई लेफ्ट ए फ्यू थिंग्स इन टू द एटिक दैट विल हेल्प यू। आई बिलीव इन यू, यू आर लविंग ग्रैंड फादर। ओके, तो गाइस ये अपना बोल तो ग्रैंड फादर का लेटर था एंड शायद से वो गुजर चुके हैं एंड अभी हमें क्या करना है गाइस, इधर घर है गाइस एंड उस घर के अंदर से हमें बोल तो इस घर के अंदर अपने ग्रैंड पा ने थोड़ी बहुत चीज़ें रखी है, उनको देखते गाइस क्या है, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं इन स्टेप्स को बोल तो जो स्टेप्स पढ़ते गाइस क्या है स्टेप्स, तो टर्न ऑन द रेडियो ऑन द वॉल, ठीक है। तो घर के अंदर जाके हमें रेडियो को ऑन करना है, ठीक है ना। तो मैं कुछ इस तरीके से कैमरा चेंज कर सकता हूँ एंड गाइस ये घर जो है ना गाइस एकदम हॉरर वाला घर लग रहा है गाइस, ठीक है ना। वैसे पूरा टूट गया है गाइस लेकिन ये घर जो है ना गाइस ग्रैनी थ्री में जो घर होता है ना गाइस सेम टू सेम वैसा ही घर है, ठीक है ना। तो अभी हम अंदर चलते गाइस इस घर के अंदर एंड घर के अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, अच्छा ठीक है। तो थोड़ा इस तरफ आना पड़ेगा मुझे एंड गाइस घर अंदर से क्या ही कबाड़ बना चुका है गाइस पूरा, सच में गाइस क्या ही बेकार घर है गाइस, पूरा इधर ख़राब हो चुका है गाइस इधर। एंड इसके अंदर क्या है, तो इसको ऑन कर दिया एंड वेट, इसके अंदर से गाना बज रहा है। मैंने सोचा किसी का मैसेज होगा इधर, चल बंद हो पे। तो गाइस ये पूरा घर ख़राब हो गया लेकिन रेडियो ख़राब नहीं हुआ भाई, किधर कौन सा कंपनी का रेडियो है, मुझे भी ख़रीदना है। तो अभी हमें क्या करना है, फाइंड द टेंट। तो टेंट किधर मिलेगा, तो टेंट उधर इस ऑरेंज आइकन के पास जाना है, उधर शायद मिलेगा हमें टेंट अपना। तो कह रहा टेंट एंड इधर मैं आर से सेव कर सकता हूँ इस गेम को, ठीक है। तो मैंने सेव कर दिया है एंड सो भी सकता हूँ इधर में, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं सो सकता हूँ इधर, वैसे सोने का टाइम नहीं है हमारे पास। अभी हमें क्या करना है गाइस, रिमूव द ऑब्स्टेकल, फाइंड द चेस्ट अपस्टेयर्स। ओके, तो अभी फर्स्ट फ्लोर में जाना है एंड उधर कुछ ऑब्स्टेकल है तो उसको रिमूव करना है, देखते क्या ऑब्स्टेकल है। चलो फटाफट एंड इसको रिमूव करते गाइस, ठीक है ना। एंड इसके अंदर चलते गाइस, गाइस मुझे इस घर के अंदर जाके क्या ही बहुत अजीब से लग रहा है गाइस, पता नहीं क्यों इतना बेकार घर लग रहा है मुझे। मैं सोच रहा हूँ कि इसको वापस हम बनाएंगे एक बार घर को, ठीक है ना, तोड़ के बनाएंगे। शायद से इस घर को तोड़ना ही है हमें लास्ट में जाके, तो शायद से यही ऑब्स्टिकल है, इसको हमें रिमूव करना है, ठीक है। अच्छा, तो मैं टैब दबा के इसे डिमोलिश मोड में जाके इसे कुछ भी इसे डिलीट कर सकता हूँ, जो हमें नहीं चाहिए वो डिलीट कर सकता हूँ मैं, ठीक है अच्छा है। एंड फिलहाल मैं फिर से हैंड मोड में आ दो एंड इधर अपस्टेयर्स में चेस्ट था, किधर है, तो वो रखा इस चेस्ट। तो अभी चलते हैं इस चेस्ट के पास एंड क्या रखा है इस चेस्ट में, भाई साहब ये फ्लोर तो पूरा टूटा पड़ा है, मैं नीचे ना गिर जाऊँ किधर भी। तो इस चेस्ट के अंदर चलते हैं गाइस, चेस्ट के अंदर नहीं गाइस चेस्ट के पास चलते, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस चेस्ट के अंदर कुछ है गाइस, एक भाई साहब एक गन पड़ी है एंड एक सिगरेट की डब्बी है क्या, भाई साहब थोड़े सिगरेट की डब्बी नहीं गाइस, एमओ है शेट क्या बोल रहा हूँ। एंड इधर पैसे एंड फिर और एक लेटर है गाइस, ठीक है पढ़ते इसको भी। टेक दिस रिवॉल्वर इन द फॉरेस्ट, देर आर मेनी वाइल्ड एनिमल्स दैट कैन कॉज यू ट्रबल, आई हैव लेफ्ट सम मनी एंड एमओ। वन मोर थिंग, यू विल नीड कार इन द गैरेज एट द एंट्रेंस द रैंच, देर इज एन ओल्ड यूटीवी, यू विल नीड टू यूज स्पेयर पार्ट्स यू फाइंड हियर टू फिक्स इट अप, गुड लक।
ठीक है गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था इधर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो ग्रैंडपा ने हमारे लिए कुछ पैसे एंड गन वगैरह छोड़ी गाइस, ठीक है ना। वैसे गन नहीं, रिवॉल्वर है, तो दोनों एक ही होता है वैसे, ठीक है। तो अभी हम नीचे चलते हैं गाइस फटाफट से इधर से, ठीक है ना। शायद से अभी हमें क्या करना है, अच्छा तो ग्रैंडपा ने हमारे लिए एक कार भी छोड़ी है गाइस, ठीक है ना। तो उस कार का स्पेयर पार्ट्स ढूंढ के हमें शायद से उसको रिपेयर करना है, शायद से वो टूटी पड़ी होगी तो उसको हमें रिपेयर करना है, शायद से कुछ ऐसा ही सीन है, ठीक है ना। तो किधर है गाइस कार, ठीक है। तो कार शायद इस गैराज में है, ठीक है ना, गैराज ही है ना, शायद गैराज ही है, इसके अंदर है गाइस, ठीक है ना कार। तो देखते हैं कि इस कार किधर है, इसके अंदर। ओ भाई कार है कि ऑटो है, क्या है भाई साहब, दो इसको लगता है दोनों का मिक्स वर्जन है, ठीक है। इस पहले हम इस कचरे को हटा देते, तो बहुत गंदा दिख रहा है इधर, मुझे कचरा पसंद नहीं है गाइस, ठीक है ना। एंड ये क्या है गाइस, टायर है, लॉरी का टायर है क्या, पता नहीं किसका टायर है, ठीक है। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं गाइस इस, अच्छा तो मुझे इसके व्हील्स एंड बोल तो व्हील्स सीट्स वगैरह सब ढूंढ लिए हैं, एंड फिर इधर मेरे पापा से अटैच करनी है गाइस। तो व्हील किधर मिलेगा, एंड ये क्या है गाइस, तो एक शायद एक टायर तो मुझे मिल गया गाइस इस गाड़ी का, तो टायर मुझे शायद से ऐसे लगाना है इधर। ओके ओके ओके, तो मुझे ऐसे सारे टायर से ढूंढ के फिर लगा देना गाइस। एंड मुझे फ्यूल टैंक भी लगाना है, फ्यूल टैंक इधर शायद, फ्यूल टैंक यही है, तो फ्यूल टैंक लगा देते गाइस अभी से। तो फ्यूल टैंक भी लगा दिया, एंड अभी हमें क्या चाहिए गाइस, हमें 3 टायर्स और चाहिए, एंड तो मैं इसको खोल सकता हूँ, हाँ खोल सकता हूँ। तो अभी हम क्या करते हैं गाइस, 3 टायर और लेके आते गाइस, ठीक है ना। तो एक टायर इधर मुझे मिल गया है, यानी कि अभी और 2 टायर चाहिए हमें, और 2 टायर किधर मिलेंगे भाई साहब। तो घूमते गए इधर, एक ब्लू आइकॉन है, तो इधर भी हमें एक टायर मिल गया है। तो गाइस बहुत जल्दी जल्दी हमें टायर्स मिल जाएंगे इधर, इतना ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ब्लू आइकॉन में दिखा रहेगा जहाँ पर ब्लू आइकॉन है उधर ही कुछ ना कुछ पड़ा होगा। एंड इधर भी एक ब्लू आइकॉन है, तो इधर एक क्या है, बम्पर गार्ड शायद से, बम्पर गार्ड है, हाँ बम्पर गार्ड है। इसको मुझे आगे जाके इधर फिटिंग कर देना है, ठीक है। तो इसको मैं आगे इधर फिट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, एंड थोड़ी बहुत गाड़ी अभी बढ़िया बन रही है, ठीक है ना अपनी। एंड और क्या चाहिए, सीट चाहिए ना, हाँ सीट हमें 2 सीट चाहिए और एक टायर चाहिए। तो एक सीट तो इधर मिल गई, और एक सीट किधर मिलेगी, तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, फटाफट से जाते हैं एंड इसको कार में इंस्टॉल कर देते हैं। तो चलते हैं इसको कार में इंस्टॉल, ई से इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं ना, फटाफट से जाते हैं एंड सीट्स लेके आते हैं, ठीक है ना। तो एक और टायर भी मिल गया, सीट लेने गया था मैंने, तो टायर मिल गया था, ठीक है। एंड गाइस बारिश का मौसम हो रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा, ठीक है। बारिश का मौसम नहीं, बारिश आने वाली बोल तो, बोल तो बारिश जब आती है गाइस, उससे पहले का मौसम जो ऐसा होता है ना, तो वैसा हो चुका है गाइस अभी मौसम, थोड़ा सा वैसा हो चुका है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है गाइस, शायद से किधर है गाइस सीट, किधर, और एक तो सीट इधर है गाइस, इधर से मैं ले सकता हूँ, इधर से नहीं ले सकता, किधर जाओ फिर, इधर से इसके ऊपर से। अरे भाई क्या है ये लोग, मैं जब 6th क्लास में था ना गाइस, 30 नहीं 6th क्लास में, 5th 4th क्लास में, 3rd क्लास में था ना, तब मैं इतनी बड़ी जंप कर लेता था, इस बावड़ी पुत से इतनी छोटी जंप नहीं हो रही। तो अभी हम क्या करते हैं, फटाफट से सीट को उसमें इंस्टॉल कर देते हैं एंड अपनी गाड़ी को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया है, एंड शायद से अभी जेरिकैन को यूट्यूब में रखना है, बोल तो इस गाड़ी का नाम यूट्यूब ही है, ठीक है। तो इस जेरिकॉन को इस गाड़ी में हमें रखना है, ठीक है। अच्छा तो इस जेरिकैन से हम लोग पेट्रोल भरवा सकते हैं गैस, ठीक है ना, ताकि अगर हमारी गाड़ी कभी भी रास्ते में बंद हो जाए तो फिर हम पेट्रोल बोल तो आराम से डाल सकते हैं गैस। तो जेरिकैन बहुत काम का है, तो फिलहाल इधर डाल देते गए इसको कुछ इस तरीके से, ठीक है, इधर रख देते गए इस बाल डाल देते अभी, ठीक है। तो मेरी कमेंट्री थोड़ी बहुत अच्छी नहीं है, तो संभाल लेना आप, ठीक है, मेरी कमेंट्री उतनी भी अच्छी नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, गैस स्टेशन के पास जाना है, ठीक है। एंड उधर हमें शायद से पेट्रोल भराना है, ठीक है, गैस स्टेशन रीच। अच्छा तो गैस स्टेशन को मुझे जाना है, ठीक है। तो हम फटाफट से ई दबा के इधर चलते गए इस गाड़ी के अंदर, एंड चल क्यों नहीं रही ये गाड़ी, अरे भाई वैसे गाड़ी क्यों नहीं चल रही है, इसमें समझ नहीं आया भाई, गाड़ी क्यों नहीं चल रही, मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन गाड़ी नहीं चल रही। अच्छा एफ दबा के चालू होगा, ओ ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि चलते हैं फटाफट से गैस स्टेशन की तरफ, एंड इधर से शायद बाहर बाहर जा सकते हैं हम लोग, ठीक है ठीक है। तो अभी हम चलते हैं फटाफट से मेन रोड पे, ठीक है ना। तो इधर से शायद बहुत दूर है वो, ठीक है। तो मेन रोड पे इधर मैं आ चुका हूँ अभी, एंड जल्दी से चलते गैस स्टेशन पे, ठीक है ना। एंड गाइस इस गेम में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो उन सब से भी बच के रहना पड़ेगा मुझे, तो ध्यान रखना पड़ेगा, शायद इससे मुझे लेफ्ट में जाना है। तो चलते हैं अभी फटाफट से, एंड गैस स्टेशन पे मैं पहुँच चुका हूँ, एंड
फिर मैंने थोड़ी बहुत ड्रिफ्ट मार दी एंड थोड़ा बहुत पीछे आए थे ताकि पेट्रोल आसानी से भर सके इधर। इसका अंदर पेट्रोल चलता है कि डीजल चलता है? एंड शायद इधर हमें सब कुछ करना पड़ेगा, तो इसको नीचे रखते हैं जेरी कैन को एंड अभी हम इसके अंदर पेट्रोल डालते हैं, ठीक है ना? शायद से इसको लेना है कुछ इस तरह से एंड इसके अंदर पेट्रोल डाल देना है, ठीक है? ओके हाँ, तो अभी जा रहा है पेट्रोल इसके अंदर? शायद नहीं जा रहा। एंड इधर मुझे इसको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाएगा। ओके एंड इसके अंदर रीडिंग्स भी दिखा रही है, कितना जा रहा है, कितना पैसे कट हो रहा है, वो सब दिखा रहा है। शायद तो इसके अंदर 50 लीटर्स आएगा एंड 50 लीटर्स का $50, भाई सब अपने पास बहुत कम पैसे है, ठीक है? तो इसको निकालता हूँ एंड शायद अपने गाड़ी में भी डालना है पेट्रोल, तो इधर भी डालते हैं फटाफट से। एंड इसके अंदर भी जा रहा है पेट्रोल, ठीक है। एंड अभी वापस से हम क्या करते हैं, फटाफट से इसको इस नॉब को पकड़ दें एंड अंदर डाल देते हैं। जैसे गाड़ी के अंदर 25 लीटर पेट्रोल चला गया, ठीक है, अच्छी बात है। 25 लीटर का $25, ठीक है, वैसे इतना भी हाई रेट नहीं है इधर पेट्रोल, ठीक है, अच्छी बात है। पेट्रोल थोड़ा बोलते उसका कॉस्ट कम है ताकि हम इधर अच्छे से आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। एंड कहीं तो हम फटाफट से, अभी हम किधर जाना है, हमें जाना है फटाफट से अभी कार शॉप में, ठीक है, कार शॉप में जाना है। एंड उधर हमें किससे बात करनी है, ठीक है, फटाफट से चलते हैं हम फिलहाल कार शॉप में, ठीक है ना? एंड देखते हैं उधर किससे बात करनी है हमें। एंड गाइस इधर फर्स्ट पर्सन व्यू में तो गाइस और भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो गाइस अभी मैं कार शॉप में पहुंच चुका हूँ इधर एंड इधर थोड़ी स्पीड मारते हैं एंड गलत जगह पे स्पीड मार दी मैंने, तो वापस चलते उस तरफ एंड ओ भाई साहब स्पीड वापस, ठीक है, वो डूब जाती है अभी तो, ओ भाई साहब। तो अभी हम चलते हैं फटाफट से इसके अंदर, ठीक है, इसे डोर को ओपन करते कुछ इस तरीके से एंड शायद यही है रियल एस्टेट एजेंट, ठीक है। इधर बहुत बहुत सारे सोफा वोफा पड़े हैं एंड लिफ्ट बंद है क्या, ठीक है, इससे बात करते करते कैसी भाई अभी लड़की है, कौन है भाई, इतना बंदर जैसा मुँह किया उसका, ठीक है, थैंक यू। एंड दो मिनट बात नहीं की इसने हमसे, ठीक है। तो अभी हमें जाना है कार सेल्स पर्सन, तो कार सेल्स पर्सन यही है, इससे भी बात करते, कंटिन्यू पे दबाते एंड हाउ कैन आई बाई ये कार, ठीक है, बैक यूज़ द कंप्यूटर हियर हियर टू परचेस व्हीकल्स, ओके, ठीक है, गुड बाय, इधर बदलवाते एंड इससे हम कर सकते हैं गाइस खरीद सकते हैं। एंड ये तो अपनी गाड़ी है ना भाई, चोर लोग भी अपनी गाड़ी अपनों को बेचते हैं। एंड इधर और भी बहुत सारे, वैसे इसका नाम क्या, पिकअप, ओके, इसके अंदर हम तीन पिक ले जा सकते हैं एंड या फिर एक कौ भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। एंड गाइस मैंने आपको बताना भूल गया कि हमें इसके अंदर पिक खरीदनी पड़ेगी एंड वो सब बहुत काम करना पड़ेगा हमें इसके अंदर, ठीक है ना। एंड ये और एक पिकअप है जिसके अंदर भी, इसके अंदर भी तीन पिक एंड तीन पिक इसके अंदर की जैसे आ जाएगी। एंड ये है स्मॉल ट्रक, स्मॉल ट्रक इतना बड़ा तो है भाई साहब। एंड ये सेडान, ठीक है, ये SUV जिसके अंदर हमारे बोलते हुए दोनों हमारी पर्सनल व्हीकल्स है, ठीक है, ठीक है, अच्छी है वैसे तो। एंड ये तो अपनी पहले की गाड़ी है, वैसे मुझे ये लेने का ट्राई करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर बोलते ये गाड़ी जो है ना, इसके अंदर स्टोरेज भी है एंड अपने आराम बोलते काम की भी है, ठीक है, तो बढ़िया है ये गाड़ी, ठीक है, इसको लेते हैं। फिलहाल इसके लेने के लिए अपने पास पैसे नहीं है गाइस, ठीक है, अभी हम चलते हैं फटाफट से, हम पैसे नहीं ले सकते, ठीक है, तो अभी हम वापस चलने गए। वैसे ये गाड़ी भी मस्त है गाइस, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, फटाफट से जाना है हार्डवेयर शॉप पे, तो हार्डवेयर शॉप पे मैं चला जाता हूँ फटाफट से एंड हार्डवेयर शॉप कुछ इधर है गाइस, ठीक है, तो वैसे बहुत दूर है, ऐसे अपने घर से बहुत दूर है हार्डवेयर शॉप, तो फटाफट से जाता हूँ एंड मैं टक्कर मार दी गेट को, कोई बात नहीं, चलते हैं गाड़ी बोलते हार्डवेयर शॉप के अंदर चलते हैं। एंड इधर बहुत सारी गाड़ियाँ एंड मशीन से गई, ठीक है ना, एक शायद ग्रास कटिंग मशीन है एंड ये सारे फार्मिंग के मशीन से गई, शायद फार्मिंग करने में काम आएंगी, ठीक है। तो अभी मुझे इधर जाना है शॉप टर्मिनल्स पे, ठीक है, तो इधर से मुझे क्या ख़रीदना है, वैसे बहुत सारे आइटम्स इधर तो, एंड शायद से मैं इधर क्रोबार एंड इस एक्स को ख़रीदना है क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत है फिलहाल बहुत ज़्यादा। एंड एक चीप टेबल सा जिससे हम लकड़ियाँ काट सकते हैं गाइस, वो चाहिए, ठीक है। तो इसको मैंने कार्ट में ऐड कर दिया एंड इसको जैसे मुझे पेमेंट करनी है, ठीक है, पेमेंट कर दी इधर मैंने। एंड वैसे इधर बहुत सारे आइटम्स है तो इनको भी बाद में ख़रीदेंगे गाइस, ठीक है ना। तो एक्स क्रोबार एंड चीप टेबल सा मुझे मिले नहीं, किधर है, किधर है भाई अपना आइटम्स, वैसे इधर बहुत सारी गाइस, बहुत सारे आइटम है। अच्छा इधर बार हो गए गाइस, बोलते इधर बार है सारी चीज़ें, ठीक है, इनको पिकअप करते हैं फटाफट से। एंड अभी हम नेक्स्ट किधर जाना है, तो सबसे पहले तो इस प्लेस टेबल सा, ओके, प्लेस टेबल सा इन ए कार, क्या नाम, पूरा नाम तो लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको हम कुछ इसे रोटेट करके इधर लगा देते हैं गाइस, ठीक है ना, इसको प्लेस कर देते इधर,
ठीक है, अभी हमें किधर जाना है? ओके, विजिट जनरल स्टोर, फॉलो द रोड, ओके, टॉक विद द सेलर। तो उधर हमें सेलर से बात करनी है, जनरल स्टोर में जाना है। ठीक है, तो फटाफट से जाते हैं जनरल स्टोर के लिए। वैसे इस गाड़ी के कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा बेकार है गाइस, ठीक है ना। एंड गाड़ी इधर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश भी हो रही है गाइस, ठीक है, मौसम बदल गया है गाइस। मैंने जैसे बोला इसके अंदर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वेदर होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में बोला था आपको बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वेदर है। एंड गाइस मैं जनरल स्टोर पर पहुँच चुका हूँ, लेकिन आपको वेदर की साउंड आ रही होगी, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है गाइस, भाई साहब एकदम रियल रेन जिसे होती है ना वैसे ही। एंड ख़तरनाक साउंड इफेक्ट बहुत ख़तरनाक है गाइस इसका। एंड गाइस बिजलियाँ चमक रही है इधर, तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वेदर हो चुका है गाइस अभी, ठीक है। वेदर में क्या करूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है गाइस। ठीक है, चलते गए इसके अंदर, एंड में पूरा बिक चुका हूँ। एंड इससे बात करते हैं, दो मिनट भी बात नहीं की इसने तो मुझसे, ठीक है। तो हम इधर से नॉर्मल आइटम जैसे कि वो तो थोड़ी चीज़ें हम खरीद सकते हैं जनरल स्टोर में से। एंड एक कोको कोला की मशीन, वाह इधर भी कोको कोला मिलता है, ठीक है। तो हमें इधर से क्या करनी है गाइस, मुर्गी ख़रीदनी है शायद से, ताकि हम आगे इनका बोलते इनके अंडे बेच के हम आगे जाके पैसे कमा सके। तो हमें मुर्गी ख़रीदनी सबसे पहले, एंड मुर्गी को अंडे के रखने के लिए एक बास्केट भी ख़रीदनी पड़ेगी। एंड इधर वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें गाइस, ठीक है ना, ये सब चीज़ें भी हमें काम आएगी आगे जाके। फ़िलहाल मैं इनकी पेमेंट कर देता हूँ इनके इधर, ठीक है ना। एंड फटाफट चलते गए, ठीक है ना। ओके, मुझे एक वीट बैग भी ख़रीदना है इधर से, तो वो भी ख़रीदते गए ताकि मैं इनको खाना खिला सकूँ, ठीक है। तो ये शायद वीट बैग ही खाती है, ठीक है। एंड गाइस और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया गाइस, मैं अभी अंदर काम कर रहा था, बोल तो अंदर वो सब खरीद रहा था, एंड इधर बाहर आके तो और भी ज़्यादा वो हो गया गाइस, वेदर ख़राब हो गया गाइस, इधर पूरा मौसम बिगड़ गया है गाइस सच में गाइस, क्या ही खतरनाक। एंड जो साउंड इफेक्ट आ रहा है गाइस वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है गाइस, ठीक है ना। वैसे इस मुर्गी को इसके अंदर प्लेस कैसे करते हो भाई, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें प्लेस करना है इधर, ठीक है। एंड हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है गाइस, ठीक है ना, हवा कुछ ज़्यादा ही बोलता, हवा का साउंड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा आ रहा है इधर। ओके ओके ओके, कुछ ज़्यादा ही तेज़ हवा चल रही है, क्या बताऊँ आपको। तो फिलहाल इसको भी इधर प्लेस करते हैं। एंड और क्या है, इस बास्केट को प्लेस करना है मुझे, ओके फिलहाल इसको बास्केट को भी प्लेस करते कुछ इस तरीके से। एंड मैंने और एक चीज़ खरीदी थी ना, किधर गई वो, वीट बैग खरीदा था मैंने, वीट बैग, तो एरा वीट बैग, ठीक है। इसको भी हम फटाफट से इधर डालते अपने गाड़ी के अंदर, एंड चलते हैं वापस अपने रेंच के अंदर, ठीक है। गो बैक टू योर रेंच, प्लेस योर आइटम्स इनटू द कार्गो बेड यूजिंग, ओके रेंच रीच्ड, ओके हमें सबसे पहले फटाफट रेंच जाना है। तो मैंने गाड़ी की लाइट ऑन कर दिया, फटाफट गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, एंड चलते अपने रेंच की तरफ, ठीक है ना। वैसे मौसम पूरा बिगड़ चुका है गाइस, एंड मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला था एक बहुत ज़्यादा खतरनाक गेम है गाइस, ठीक है। एंड इधर वाइल्ड एनिमल्स से अभी मुलाकात नहीं हुई है, शायद नेक्स्ट एपिसोड में हो सकती है, तो उनके लिए वेट करना गाइस। एंड मैं इधर रेंच पे पहुंच गया हूं गाइस, ठीक है, शायद से आ गया रेंच अभी अपना। एंड अपना रेंच जो है गाइस में पूरा जंगल के बीच में गए अपना रेंच, तो फटाफट से चलते गए अपने रेंच के अंदर। इधर गाड़ी को पार्क कर देता मैं साइड में इधर कुछ इधर, ठीक है, थोड़ा सा उस तरफ पार्क करते गए इस गाड़ी को हम लोग, ओके इधर पार्क कर देते हैं फटाफट से। एंड मैं इधर उतर जाता हूँ इस फटाफट से गाड़ी के अंदर से। एंड गाइस मुझे इधर डर लग रहा है गाइस, क्योंकि इधर आसपास में अपने घर के बोलते जो फ्रेंच है ना गाइस, अपने आसपास में कुछ फेंसिंग भी नहीं है गाइस। एंड इधर मैं टॉर्च चालू कर देता हूँ, क्योंकि फेंसिंग नहीं है गाइस, कोई भी एनिमल इधर आ सकता है गाइस, अच्छी बात है अभी तक कोई आया नहीं है। एंड गाइस मौसम कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया गाइस इस गेम में, कुछ ऐसा होता रहता है हमेशा, ठीक है। इस मुर्गी को फटाफट से इस घर के अंदर डालते हैं हम लोग, ठीक है, इधर मैं प्लेस कर देता हूँ इस मुर्गी को, फटाफट से डोर ओपन करते हैं, दूसरी मुर्गी को भी लेके आते हैं फटाफट से, ठीक है। इस दूसरी मुर्गी को भी मैंने लेके आ गया हूँ, एंड इसको वापस इधर प्लेस करते हैं। एंड ग्रेन फाउंड करना है किसके अंदर, ग्रेन फाउंड इसके अंदर है, अच्छा। तो गए उस फ्रिज के अंदर ग्रेन्स है, तो अब हमें इनको ग्रेन भी खिलाना है। हमने एक बैग एक्स्ट्रा लेके आ गए, यानी कि इधर अपना नुकसान ही हुआ, नुकसान तो नहीं हुआ है, हमें आगे जाके वो ग्रेन का बैग काम आने ही वाला है फिर से, ठीक है। तो इधर हमें एक एक्स्ट्रा बैग हमें आ चुका है गाइस अपने पास, फ्री का माल मिल चुका है हमें, ठीक है। तो इसको हम इधर इसे रिमूव कर देते गाइस, एंड इधर रख देते गाइस। एंड ये बकेट फाउंड, बकेट किधर है भाई, ये तो शायद वाटर टैंक है, हाँ ये वाटर टैंक है, इसको प्लेस कर देते वापस इधर। बकेट मैंने इधर पीछे देखी थी उस लेटर के पास, हाँ तो ये रही बकेट, तो इसके अंदर मुझे पानी भरना है शायद से, ओके कुछ इस तरीके से पानी भरना है मुझे, वही तो पानी भर रहा है अंदर, हाँ भर रहा है, पानी भर रहा है, ठीक है। इधर हमें $100 मिल चुके कैसे, पानी भरने के $100 मिल चुके कैसे,
तो अभी हमें क्या करना है, स्मॉल कूप, ओके स्मॉल कूप ब्लूप्रिंट बिल्ट, ठीक है। तो हमें शायद से चिकन कूप बनाना गाइस, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, सो जाता हूँ गाइस, ठीक है, इसके अंदर कुछ इस तरीके से। ओके अभी सुबह हो जाएगी इस फटाफट से, एंड बारिश बंद होनी चाहिए, बारिश बंद नहीं हुई लगता है मुझे अभी तक, ठीक है। उठ जा भाई, कितना सोएगा, उठ जा, ठीक है, बारिश बंद नहीं हुई है गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था। एंड अभी हमें क्या करना है, फटाफट से एक स्मॉल कूप बिल्ड करना है चिकन के लिए, ठीक है ना। तो मैं इधर चिकन कूप बिल्ड करना है, एंड सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फटाफट से गाड़ी के अंदर से जितने भी चीज़ें हैं इनको बाहर निकाल देते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इधर एक पहले तो हम एक कूप बिल्ड कर देते हैं फटाफट से, ठीक है ना। चिकन कूप, स्मॉल चिकन कूप किस में रहेगा, शायद नीचे वाले में होगा, ठीक है। तो इधर मैं इसका स्मॉल चिकन कूप इधर मैंने लगा देता हूँ इधर, ठीक है ना, इसका ब्लू प्रिंट इधर लगा देता हूँ। तो इधर मैंने इसका ब्लू प्रिंट लगा दिया, एंड इसके अंदर मुझे भी प्लैंक्स रखे रखने हैं ताकि ये पूरा कम्प्लीट हो जाए, ठीक है। इसके अंदर मैं से कुछ जा सकता हूँ, वैसे पूरा बनाना नहीं है, सिर्फ ब्लू प्रिंट है इसका, ठीक है। यानी कि अभी हमें बनाना है इसकी तरह, इसके वो जैसे बनाना है, ठीक है। तो अभी मैं इसको निकालता हूँ, निकाल क्यों नहीं पा रहा भाई, अच्छा, तो हमें इसे हैंड मोड में जाना पड़ेगा वापस, ठीक है। तो अभी फिर से हम इस जरी कैन को इधर लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, इधर मैं कॉर्नर में पेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, वॉल के साइड में, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि इस जरी कैन को भी, जरी कैन सॉरी, इस टेबल सॉ को भी इधर लगाते हैं, ठीक है। इस टेबल को सॉ को भी इधर मैंने लगा दिया है, एंड अभी इस वीट के बैग को इधर साइड में प्लेस कर देते हैं, ठीक है। एंड इस चिकन कूप को भी मुझे बनाना है गाइस, ठीक है, इस चिकन कूप को भी मुझे बनाना है। एंड उसके लिए मुझे शायद से बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले तो इस मशीन को ऑन करना है शायद से मुझे। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो गाड़ी है ना बीच में आ रही है, इस गाड़ी को हम अपने गैराज के अंदर डाल देते हैं। ओ भाई टक्कर हो गई अपनी गाड़ी की, तो ठीक है, इस गाड़ी को हम उसके अंदर डाल देते हैं गाइस, गैराज के अंदर। ओके 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 साइड में, ठीक है, गैराज के अंदर मैंने गाड़ी डाल दी है, ठीक है। कुछ पीछे लिखा था इससे, ठीक है, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, खतरनाक तो नहीं, एकदम पतला सा है, ठीक है। इसके अंदर मुझे कितना 15 वुड प्लैंक लेके आना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस कटिंग मशीन को चालू करना पड़ेगा जिसके अंदर पेट्रोल डलेगा शायद से। ओके टेक जरी कैन टेबल्स ऑफ फ्यूल, तो इसके अंदर हमें फ्यूल डालना है सबसे पहले। तो फ्यूल शायद इसके अंदर बढ़ रहा है, ओके फ्यूल इसके अंदर फुल हो चुका है, एंड मशीन भी चालू हो चुकी है। तो अभी हमें क्या करना है, फटाफट से इधर से एक लकड़ी तोड़ के बोल, तो इधर से हमें उस ट्री को कट करना है, एंड इसको चॉप करना है, एंड फिर इधर से हमें ये वुड लॉग लेके जाना है, ठीक है। हमारे ऊपर ही गई क्या वुड लॉग, ठीक है, इसको हम इधर इसके अंदर डाल देते हैं। ओ भाई साहब क्या ही मस्त कटिंग हो रहा है इधर, ठीक है, हम जैसे सब कुछ डाल देते हैं इधर, सारे इधर हम डाल देंगे। एंड इसके अंदर से कितना प्लैंक मिलेगा हमें, ठीक है, दो प्लैंक मिलेगा शायद से हमें, ठीक है। तो इस वापस फटाफट से मैं इस कूप को बनाता हूँ, एंड फिर आपसे मिलता हूँ गाइस, ठीक है। तो इसी इधर बहुत सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है गाइस, मैंने कूप को बना लिया अभी। एंड अभी हम क्या करते हैं फटाफट से इस चिकन को भी बोल, यानी कि इस हैन को भी इसके अंदर डाल देते गाइस, ठीक है ना, चिकन क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, हैन को भी इसके अंदर डाल देते, ठीक है। मुर्गी को डाल देते, एक मुर्गी काली, एक मुर्गी सफ़ेद, एक मुर्गी मेल है गाइस, एक मुर्गी फीमेल है। जब ये ब्रीडिंग करेगा तो हमें और भी ज़्यादा मुर्गियाँ मिलेगी, ठीक है ना। तो इधर और भी बहुत सारे प्लैंक्स अपने पास। एंड अभी हम क्या करते हैं गाइस, आज का वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है गाइस, शायद 25 मिनट्स तक का हो चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले इसको सेव कर देते हैं आज के गेम को इधर ही, ठीक है, आर दबा के मैं सेव कर देता हूँ इसको। एंड बाकी आज का वीडियो में शायद इतना ही गाइस। तो आपको ये गेम कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम उस घर को तोड़ेंगे, एंड हम एक नया घर बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले, उस घर को बनाने से पहले हमें उसके लिए पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा शायद से, एंड उसके बाद हम उस घर को बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत काम करना पड़ेगा अभी इस घर को बनाने के लिए, घर को बनाना इतना आसान नहीं है शायद से। शायद से मैं तीसरे चौथे एपिसोड में इसको घर को बनाऊंगा गाइस, ठीक है ना, क्योंकि उससे पहले हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा, पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बना सकते हैं उसको, ठीक है। तो आपको एक सीरीज कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताओ, एंड अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय, टाटा सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।